हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नए नवेली दुल्हन अपनी शादी करके जब ससुराल जाती है तो वहाँ एडजस्ट कैसे करें। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। घर की जो लड़की होती है यानी बेटी होती है, वो तो कैसे भी कुछ भी बोल देती है अपने परिवार में, और लोग इतना माइंड नहीं करते क्योंकि सभी अपने होते हैं। बचपन से वो वहाँ बड़ी होती है तो सब उसके गुण अवगुण को जानते हैं, तो उनकी बातों को इतना महत्व नहीं देते। लेकिन वही लड़की जब दुल्हन बनकर ससुराल जाती है तो उम्मीदें काफ़ी बढ़ी हुई होती है। वो जब जाती है वहाँ तो वो अंदर से चेंज तो नहीं होती, बस उसकी शादी हो जाती है। लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो वो उसको वहाँ बचपन से किसी ने नहीं देखा होता है। वो बस एक घर की एक नई सदस्य बन के जाती है वहाँ पे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं एक बहू के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक चाची मामी भाभी के रूप में। एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत हाई होती है। बट बेटी जो होती है वो इतनी मतलब मैच्योर नहीं होती। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो इतनी मैच्योर नहीं होती कि सबकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरे। तो शादी करके जो दुल्हन जाती है वो उसको अपना व्यवहार कैसे रखना चाहिए जैसे कि वो धीरे धीरे उस परिवार का हिस्सा बन जाए। एकदम से तो कोई कहीं जाता है तो एडजस्ट नहीं कर जाता, लेकिन उस परिवार में जिस परिवार में उसकी शादी हुई है वहाँ पे उसका एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आगे की भी लाइफ उसकी अच्छी रहे। तो उसको शुरू से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब वो शादी करके जाए तो बहुत सोच समझ कर बोले, यानी कि कोई भी शब्द जो बोले वो काफ़ी सोच समझ कर बोले, और धीरे धीरे लोगों के हैबिट, उनकी आदतें, उनके स्वभाव को परखती रहे, उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना व्यवहार करे। धीरे धीरे जब लोग जान जाएंगे कि वो मतलब आपको पसंद करती है, नई लड़की से काफ़ी उम्मीदें होती है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सारा कुछ कर लो, लेकिन हाँ, लेकिन हर एक पर्सनैलिटी की अपनी लिमिटेशन होती है, तो उस लड़की की भी अपनी एक लिमिटेशन होगी। लेकिन यहाँ पे बात है एडजस्टमेंट की, बात है घुल मिल कर रहने की। तो सबसे पहले लड़की को अपना नेचर धीरे धीरे लोगों को बताते चले जाना चाहिए, और एकदम से किसी भी चीज़ के लिए आप वहाँ मना ना करें। हाँ, ये कह दें कि चलो ठीक है मैं कर दूंगी या मैं देखूंगी। एकदम से आप जब ना करते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा होता है। तो एकदम से आप किसी भी चीज़ के लिए ना करें, बस बोल दें कि ठीक है मैं कर दूंगी या मैं देखूंगी, या फिर आराम से दो चार दिन निकल जाए तो फिर आप बोल सकते हैं कि देखो ये काम मुझे आता नहीं है, देखिए ये काम मुझे आता नहीं है, तो मुझसे हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप एकदम से बोल देंगे कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, तो लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है। फिर धीरे धीरे जब आप उस परिवार में एडजस्ट करने लगेंगी तो उस परिवार में आपका व्यवहार लोगों को अच्छा लगने लगेगा, तो आपकी नेगेटिव चीज़ें भी उनको बुरी नहीं लगेंगी। लेकिन एकदम से आप नहीं 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 करते चले जाएंगे, हालांकि वो आपका नेचर है और हालांकि आपको वो सब काम नहीं आते हैं, तो आपको नहीं बोलना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप नई हैं, तो एकदम से अगर आप डायरेक्टली नहीं बोलती हैं तो नई का इफेक्ट काफ़ी ख़राब होता है। तो आप नहीं ना बोल के बोलेंगे चलो मैं देखूंगी या मैं करूंगी, अभी तो नहीं कर सकती लेकिन मैं करूंगी, फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ को बता दें कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम मुझे नहीं आता, तो फिर वो लोग एडजस्ट कर जाते हैं। डायरेक्ट ना बोलना बहुत खतरनाक होता है, इसलिए इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप ससुराल जाएं, आप नई नवेली हैं और ससुराल में जाएं, तो सारे रिलेशंस के साथ बहुत मर्यादित रहें, यानी कि सोच समझ कर बोलें, कुछ भी ना बोल दें। भले ही आप अपने मायके में बातूनी हो, बकबक कर लेती हो, लेकिन ससुराल में थोड़ा सा सोच समझ कर बोलें, लोग आपको अपनाएंगे। लेकिन हर नई चीज़ को अपनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप भी दूसरों को धीरे धीरे अपनाइए, वो भी आपको धीरे धीरे अपनाएंगे। तो इसके लिए आप एकदम से ना बोलें, उनके इमोशंस का ध्यान रखेंगे तो वो भी आपके इमोशंस का ध्यान रखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।